दोस्तों, वैसे तो पूरे विश्व में गोरखपुर जनपद का नाम जाना जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र। गोरखपुर के तमाम बेटे और बेटियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर गोरखपुर का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। पर आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आप शायद जानते हो पर वो नहीं जानते जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गोरखपुर की धरती ने तमाम वीरों को जन्म दिया। उनमें से एक नाम है स्वर्गीय ब्रह्मदेव मिश्र पहलवान। वही ब्रह्मदेव मिश्र पहलवान जिन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में बड़े बड़ों को धूल चटाकर पराजित किया। वही ब्रह्मदेव मिश्रा जिनका नाम देश के जाने माने पहलवान दारा संघ जी ने अपने इंटरव्यू में लिया था। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए दारा सिंह जी ने बताया कि 1950 में जब वह सिर्फ 21 साल के थे तो पहलवानी करने के लिए कोलकाता में गए हुए थे, जहां अखाड़े में उनका सामना गोरखपुर के प्रसिद्ध पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा से हुआ। उन्होंने बताया कि ना जाने ब्रह्मदेव मिश्रा ने ऐसा कौन सा दाव खेला जिससे मैं समझ नहीं पाया, और ब्रह्मदेव पहलवान ने चंद ही मिनटों में मुझे पराजित कर लिया। ब्रह्मदेव मिश्रा बहुत ही बड़े और नामी पहलवान थे, जिन्होंने भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी पहलवानों को भी मात दी थी। यहाँ तक कि सिंगापुर, अमेरिका और विश्व स्तर के बड़े बड़े पहलवानों से लड़े, परंतु कभी पराजित नहीं हुए। आज उन्हीं के खानदान के चंद्रप्रकाश मिश्र उर्फ गामा मिश्रा भारत के श्री पहलवान बने हैं और उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज भी गोरखपुर क्षेत्र में ब्रह्मदेव मिश्रा पहलवान का नाम चलता है। किसी भी दंगल में पहुंचकर अपनी उपस्थिति से उसकी शोभा और शान को चौगुनी कर देने वाले मल्ल कला के सूक्ष्म ज्ञाता महान मल्ल सम्राट पहलवान ब्रह्मदेव मिश्रा का जन्म 1917 को कार्तिक मास में गोरखपुर जनपद की वांसगाम तहसील के अंतर्गत रुद्रपुर खजनी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता परम धार्मिक पंडित महादेव मिश्र अपने समय के प्रतिष्ठित पहलवान भी थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी बड़ा होकर उनके नक्शे कदम पर चलकर एक दिन पहलवान बने। अंततः ब्रह्मदेव मिश्रा ने को पहलवानी करनी ही पड़ी। ब्रह्मदेव मिश्रा पहलवान को पहलवानी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। ब्रह्मदेव मिश्रा ने स्कूल की शिक्षा मिडिल तक ही प्राप्त की, पर फिर भी इन्होंने स्व अध्ययन से हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ संस्कृत भाषा की जानकारी भी प्राप्त कर ली। ये अपने पांचों भाइयों में से सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाइयों के नाम पंडित शिवराज मिश्रा, पंडित शिव पूजन मिश्रा, पंडित ब्रिचुनु मिश्रा और नर्मदेश्वर था। इनके सभी भाई पहलवानी करते थे, लेकिन जो नाम और शोहरत पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा को मिली वह उनके अन्य भाइयों के हिस्से में ना आ सकी। पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा ने पहलवानी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी से प्राप्त की। धीरे धीरे ब्रह्मदेव मिश्रा को अधिक अभ्यास और शिक्षा की आवश्यकता हुई तो ब्रह्मदेव मिश्रा गोरखपुर के पक्की बाग अखाड़े में आकर अभ्यास करने लगे। इस अखाड़े की स्थापना तकरीबन आज से 100 वर्ष पहले मैनू भैया नामक बनारसी पहलवान ने की थी। उनके बाद महावीर पाठक जी जहाँ के गुरु हुए और उसके बाद पटियाला के सुप्रसिद्ध पहलवान श्री चंदन सिंह जी इस अखाड़े के गुरु हुए। पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा भी चंदन सिंह पहलवान की निगरानी में अभ्यास करने लगे। पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा का वजन 120 किलो और कद 5 फुट 6 इंच था। पहलवान अपनी युवा अवस्था में 2500 बैठक और 1500 दंड लगातार पेलते थे। इसके पश्चात वो 50 पहलवानों के साथ लगातार जोर आजमाइश करते थे।
इनके व्यायाम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्रत्येक दंड और बैठक के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते थे और अखाड़े में सुबह शाम पहलवानों के साथ कुश्ती का अभ्यास करते थे। यदि पहलवान की खुराक के बारे में बात करें तो पहलवान एक शेर घी, आधा शेर बादाम और 5 शेर दूध नित्य नियम से लेते थे। पहलवान शुद्ध शाकाहारी भोजन ही लेते थे। अपने गुरु चंदन सिंह की निगरानी में लगातार अभ्यास करने के बाद ब्रह्मदेव मिश्रा अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। इनकी पहली कुश्ती भारत विख्यात केसर सिंह पहलवान को पराजित करने वाले पंजाब के प्रसिद्ध पहलवान सूरती सिंह के साथ हुई। ब्रह्मदेव ने गोरखपुर की मल्ल प्रतियोगिता में सूरती सिंह पहलवान को पराजित करके पहली गदा जीती। ब्रह्मदेव ने दूसरी कुश्ती में फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व विजेता दारा सिंह पहलवान को कोलकाता के दंगल में निकाल दाव मारकर मात्र 2.5 मिनट के समय में ही चित कर डाला। इसके बाद भी ब्रह्मदेव मिश्रा ने भारत के नामी पहलवानों के साथ कुश्तियां करी और उन्हें समय समय पर पराजित किया। इसके बाद ब्रह्मदेव मिश्रा पहलवान जी ने रोमानिया के चैंपियन जॉर्ज कंसेस्टाइन को गोरखपुर में चित किया। उत्तर प्रदेश के दंगल में चैलेंज देने वाले बुद्ध सिंह पहलवान को भी पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा ने उसी दंगल में चित करके बुद्ध सिंह पहलवान को भगाया था। इसके अतिरिक्त पंजाब के अर्जुन सिंह, सुरजीत सिंह, नाहर सिंह और केरा सिंह आदि पहलवानों के साथ कुश्तियां करके उन्हें भी चित किया और अपने नाम का परचम संपूर्ण भारत में फहराया। इस विश्व प्रसिद्ध मल्ल की विशेषता ये थी कि इतनी कुश्तियां लड़ने के बावजूद भी कोई पहलवान उन्हें पराजित ना कर पाया। पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा संपूर्ण जीवन विजेता ही रहे। टांग मारना और मुल्तानी इनके सबसे प्रिय दाव थे। इसके अतिरिक्त निकाल, डाक, बाहरली, पुठी मारना, कलाजंग, मोतीचूर आदि दाव पर पहलवान जी को महारत हासिल थी। पहलवानी से संन्यास लेने के पश्चात पहलवान जी ने राजनीति में भी शिरकत की और जनसंघ दल के अध्यक्ष भी बने। उससे पहले पहलवान जी अपने गांव के सरपंच थे। पहलवान जी ने जनसंघ की ओर से बतौर MLA के चुनाव पर भी लड़े। पहलवान जी की भुजाओं में शक्ति और वाणी में सरस्वती निवास करती थी। पहलवान जी जब भाषण देते थे तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। भाषण देने के साथ साथ पहलवान जी को गाने का भी शौक था। पंडित ब्रह्मदेव मिश्र जी ने जब पहलवानी की तो बड़े शौक के साथ की और आला दर्जे की पहलवानी की। जब पहलवान जी को राजनीति में समाज सेवा का मौका मिला तो पंडित ब्रह्मदेव मिश्रा ने समाज सेवा भी तन मन धन से की। अंततः सभी प्राणियों की तरह पंडित ब्रह्मदेव मिश्र भी सन 1975 को अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके इस संसार को छोड़कर चले गए। कुश्ती के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान को ये कुश्ती जगत हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।